हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। आज 2 तारीख है और बुधवार है नहीं तो सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, इंटरनेट में देखने वाले सुनने वालों का स्वागत और आप सबका और इंटरनेट में देखने वालों का सबका धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान दीजिए, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं आज के दिन। ये जो बातें हैं प्रभुपाद जी की आज 2 तारीख की, ये उन्होंने मायापुर में कही थी 1976 में। प्रभुपाद कह रहे हैं वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायणा सेविका। तो पति पत्नी के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति। और याद रखो ये वैदिक संस्कृति ही अनादि पुरातन है, सनातन है। ये सनातन का अर्थ है इसकी कोई शुरुआत नहीं। भाई कभी तो शुरुआत हुई होगी। हाँ, शुरुआत कब हुई थी? जब इस सृष्टि की रचना की भगवान ने, तो भाई जो लोग यहाँ आएंगे उनको क्या करना है, किस लिए यहाँ आए हैं, क्या यहाँ करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए ये संस्कृति रची गई थी। तो कहा है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो हमारा ये सनातन धर्म है इसको साक्षात भगवान ने रचा है, कृष्ण भगवान ने। तो और ये वैदिक संस्कृति सृष्टि की रचना के साथ ही इसका श्री गणेश हुआ था। तो वैदिक संस्कृति का अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए। पति पत्नी ये भगवान की सृष्टि की रचना है। सुनो एक भजन था, ये कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात। तो ये भगवान का बनाया, पति पत्नी भगवान के बनाए हुए हैं। तो पति जो है उसको श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। और पत्नी, पत्नी की धर्मपरायण, पति पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका, वो नई वाली पुस्तक में होगा उसमें नहीं बया। वो धर्मपरायण सेविका, उसको भी पति की सेवा करनी है। अभी देखो ये कलयुग है,
स्त्रियां पति के अधीन नहीं रहना चाहती, विदेशों में तो रहना नहीं चाहती ना, और देश देश में भी यही हालत हो गई। औरतें स्वतंत्रता चाहती हैं, पर वैदिक संस्कृति के अनुसार औरत स्वतंत्र नहीं है। विदेशों में तो बड़े इसमें बहुत ही, प्रभुपाद जी ने जब बताया लोगों को तो बड़ा शोर मचा, बहुत कुछ औरतें कहने लगी, तो प्रभुपाद जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। प्रभुपाद कहते हैं भाई बच्चों को जन्म तो पत्नी देती है ना, पति नहीं देता, तो शास्त्र के अनुसार स्त्री का जन्म जो है ये पाप कर्मों से होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है ना कि माँ ही पार्थ विपाशित्य ये पिशु पाप योनिजा, हे पार्थ जो मेरी शरण में आ जाता है उसके चाहे कितनी भी पाप योनि है। कौन कौन सी पाप योनि भगवान कहते हैं, कितनी भी पाप योनि क्यों ना हो वो भी परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अगर वो मेरी शरण में आता है तो, नहीं आता तो नहीं। तो पाप योनि स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास, स्त्री वैश्य और शूद्र ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं गीता में। तो पत्नी का ये धर्म है कि उसको धर्मप्रायण पति की धर्मप्रायण सेविका और उसकी सेवा करने का। इसकी सेवा नहीं करना चाहती, विकृति है समाज में, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ऐसा ही हमारा भाग्य है, ऐसा ही भगवान का आदेश है। देखो कोई अगर स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कर्मों के अनुसार। स्त्री पुरुष नहीं बन सकती, पुरुष स्त्री नहीं बन सकता। कुछ मैंने देखा भी विदेशों में मूर्ख लोग हैं, एक वहाँ पर एक भक्त का एक रेस्टोरेंट था सियाटल वाशिंगटन में, तो वहाँ एक लड़का लड़की बना हुआ है, नमूना था बिल्कुल, लड़की बना रेस्टोरेंट में काम कर रहा है ना, लड़कियों वाला नाम रखा है उसने, तो लड़की बना हुआ है। और कई लड़कियाँ लड़का बनना चाहती हैं पर ये सब अज्ञानता है। तुम्हें क्या घंटा लग रहा है भाई, क्या कर रहा है तू, लिख रहा है भजन को या क्या कर रहा है, मिल नहीं रहा तो है पहली लाइन कैसे है पहली लाइन भजन, मुझे पहली लाइन ये ही याद है शब्द बीच के, स्त्रियाँ बनाए पुरुष बनाए जोड़े बनाए भगवान ने, बड़ा अच्छा भजन था ये उसकी, हुआ है ना हरि बोल, वही तो मैंने कहा कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक स्त्री के पीछे ने एक एक दिन के पीछे सुंदर रात बांधी, नहीं वो जीती ना राजलक्ष्मी, उसकी पुस्तक में है ये भजन, ले आओ बहुत अच्छा भजन है, उसमें से भजन छांट के हम गाएंगे उनको, नहीं मिला तो ये प्रभु की रचना है। देखो जोड़े बनाए स्त्री पुरुष बनाए, अगर स्त्री कहें मुझे पुरुष क्यों नहीं बनाया तो भाई कर्म, पुरुष कहें मुझे स्त्री बनना था तू भाई तेरे कर्म ऐसे थे तू पुरुष बना, तो
कर्म के अधीन सब कुछ है। भगवान कहते हैं गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। और देखो अभी कलयुग है, लोग भटक रहे हैं बेचारे, सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जहां बड़ी भीड़ भाड़ होती है वहां चले जाते हैं। बहुत पहले मैंने एक बात सुनाई थी कि एक हमारा वो मृदंग बजाने वाला प्रेमी था, तो वो क्या मिल गया, तो इधर ही खड़ा रहा, तो कोई गड़बड़ करे तो फिर बचाते रहना, मेरे ऊपर चले जाते। तो आजकल इंटरनेट का ये फायदा है, नुकसान भी बहुत है इंटरनेट का, पर फायदा भी है कि मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इधर बस वो तबला अपना मृदंग बजा, बड़ी अच्छी मृदंग बजाता था, छोटी उम्र में सीढ़ी छोड़ दिया उसने। तो वो कहते हमारे एक माता जी है दिल्ली में, अब चलो उनको मैं किए उनके पास। वो माता जी जो है वो निरंकारी बनी हुई है, वो माता जी निरंकारी बनी हुई है। मैंने कहा निरंकारी क्यों बने हो, कहते बहुत दुनिया बड़ी भीड़ है उधर, ये प्रभाती ये मेरी माँ जो है वो तो कृष्ण भक्त थी। मैंने तुम क्या देखो, लोग भीड़ भाड़ के पीछे जाती है, बड़ी मूर्खता है ना, भीड़ भाड़ वहाँ जाएंगे। इसलिए कि यहाँ हमारा हमारे संपर्क में आया वो आसाराम के पास चला गया, मैं वहाँ क्या हूँ क्या, कहते भीड़ भाड़ बहुत थी सब जगह गया वो, और श्री राम शरण में भी गया, आसाराम के पास भी गया, और कहाँ कहाँ गया था वो, डोंगरे जी महाराज के पास गया। डोंगरे जी जो थे वो बेचारे भागवत कथा तो करते थे लेकिन वो मायावादी थे, निरंकारी थे, वो भगवान के आकार में नहीं मानते थे। क्या कर रहा है तू उसको उसको गिरा के पर खड़ा हो गया, कितना बदमाश है, गिरा तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। कौन है तू, कौन सा विक्की, इधर टिक्की आऊं तेरे बनाऊं विक्की हैं, किसका तो क्या बदमाशी करते रहता तू हैं, क्या कह रहे, कैसे गिरी, तू भी ऐसे क्यों खड़ा हो गया, मैंने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ कुछ ऐसे क्यों खड़ा हो गया तुम, ये बदमाशी है ना, ऐसा नहीं करना, जाओ आराम से बैठो। तो वो माता कहती है मेरी माँ तो कृष्ण भक्त थी। मैंने कहा तू क्या करने जाती है उधर, कहते बुरी दुनिया जाती है। ये हो गया आज कलयुग में, यहाँ भीड़ वाले लोग चले जाते हैं, पता कुछ है नहीं वहाँ है भी कुछ या नहीं भी है। तो देखो हमने भीड़ भाड़ में नहीं जाना, हमने अपनी सनातन संस्कृति को अपनाना है। अगर लोग बेचारे नहीं अपना रहे उनका दुर्भाग्य है। एक बात बड़ी अच्छी, एक नाम के वो संत थे पर बात अच्छी थी उनकी, बात कही उन्होंने, उन्होंने क्या कहा, ये दुनिया जो है एक बहती नदी है, बहती नदी में अगर कोई मृतक शरीर गिरा तो कहाँ जाएगा हैं, और नदी के भाव के साथ बह जाएगा, उसमें जान नहीं है। अगर उसी बहती नदी में कोई जीवित गिरा तो वो कहाँ जाएगा, किनारे लगेगा, कोशिश करेगा, लग सके नहीं लग सके, पानी भाव इतना है पर कोशिश करेगा। तो ये दुनिया की बहती नदी है,
इसके भाव के साथ बहना नहीं हमने। अगर भाव के साथ बह जाएंगे तो हम मृतक शरीर है, डेड बॉडी है, हमने किनारे लगने की कोशिश कर ली है। तो लोग जहाँ भीड़ भाड़ वहाँ चले जाते हैं। अब जैसे एक बार हम अमेरिकन एम्बेसी में वीजा के लिए गए थे, ये बुक संभाल के रखना, इसमें बड़े अच्छे अच्छे भजन हैं, वही काटा भजनों का वही काटा है। तो क्या कह रहा था मैं, अमेरिकन एम्बेसी में वीजा लेने के लिए तो बड़ा रश होता था वहां पर, लोग 3 बजे आके लाइन में खड़े हो जाते थे। तो हम भी गए थे वहां पर, हमें वीजा लेना था। एक सरदार जी ऑटो वाले मेरे पीछे हो गए, कहते जी मैंने भी अमेरिका जाना है। मतलब क्या करेगा मैं जाकर, कहते देखो इतनी दुनिया जा रही है वहां पर पीछे आगे तो मैं ले जाऊँ उसको अमेरिका। तो लोग भीड़ भाड़ के पीछे जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ में कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण के चरणों में है, भगवत भक्ति में है। अब जैसे हमारे शशि जी बैठे हैं, इनके पिताजी अनंत मार्गी थे, अनंत मार्गी अनंतपुरी है, अनंतपुरी है, लेकिन बड़े समझदार थे। जब उनको ये मिला, कहते उनको बोला बुलाया उठाओ ये सब ले जाओ यहाँ से। तो अभी शशि जी कैसी लगती है आपको कृष्ण भावना, ये अपना कैसा लगता है? यही है पुरातन, यही है वो, बाकी सब कलयुग के मत हैं। अच्छा वहाँ आनंद मार्ग में है पंचमी पातशाही, चौथी पातशाही, भगवान का नाम ही नहीं, कोई पातशाही नहीं चल रही है वहाँ पर। तो कलयुग में तो बड़ी ऐसी हालत ख़राब है, लेकिन बुद्धिमान लोग देखो के बेचारे सीधे साधे आ जाते हैं उनके चक्र में, लेकिन जब पता लगता तो छोड़ देते हैं वो। तो मिला नहीं कैसी प्रभु, अच्छा इसमें भी है इंटरनेट से थी, और भी बड़े बड़े अच्छे भजन हैं उसमें। तो भगवान की ये जो रचना है, ये भजन है, एक सुना देता हूँ मैं आपको। बोलो मोर, ये फिर जर गायब हो जाता है, कैसे करना भी इसको। ये कैसी प्रभु तूने कायानाथ बांधी, ये कैसी प्रभु तूने, ये कैसी प्रभु तूने कायानाथ बांधी। नहीं मिल रहा, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात बांधी, एक दिन के, ये कैसी प्रभु तूने कायानाथ बांधी, ये कैसी प्रभु। ये किसने लिखा है, निकाल निकाल पढ़ने में मुश्किल होगा इसमें। सुनो एक और भी पुस्तक, यही पुस्तक थी और भी थी कोई, राम किशोर चिमाला, पढ़ने में मुश्किल है और देर निकाल से। ये कैसी प्रभु तूने कायनाथ बांधी, ये कैसी प्रभु, एक दिन के पीछे, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात बांधी, सुंदर रात बांधी। बड़े करो गायब, अरे कहाँ क्या हो रहा है इसमें,
कैसी प्रभु तूने, प्रभु लिखा है, प्रभु लिखना था, मैं क्या लिखा था, प्रभु नहीं नहीं वही है, नहीं पर उसने स्पेलिंग गलत है नहीं, कभी थकते नहीं है, ये क्या पीछे भी है यार कुछ, कभी थकते नहीं हैं वो घोड़े, कभी तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, तूने रजनी बेहान चला चांद दुल्हा बना, रजनी बेहान चांद सात चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, सात चंद्रमा के तारों की, ये कैसी प्रभु तूने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, कैसी खूबी वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बहार का समा, ये बहार ये पतझड़ खी जा, हवा बादलों के, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, हवा बादलों के बीच बरसात, ये कैसी प्रभु तूने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात बांधी, पक्षी जल चर व जंतु चोराए, पक्षी जल और जंतु चौपाए, तूने सबके हैं ही जोड़े बनाए, तूने सबके ही जोड़े, नाग और नागनी राग और रागनी, सात पुरुषों के स्त्री की जात बांधी, सात पुरुषों के स्त्री की जात, ये कैसी प्रभु तूने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात बांध, नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, नत्था सिंह है अनंत तेरी, जग के कन कन में तू ही समाया, जग के जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने आंगन में ऐसी करामात बांधी, अपने आंगन में ऐसी करामात बांधी, ये कैसी प्रभु तूने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे कैसी सुंदर रात बांधी,
देखो एक भक्त ने इसको गाया भी है, उसी से सुनो। अगर इसमें इंटरनेट है तुम्हारे में नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही, ये उसमें आया था, मतलब स्वर आया था उसका, स्वर जो है उसका आवाज नहीं आ रही। और नहीं है इसके आगे, इसके आगे और नहीं है, और ही कुछ आ गया था। हैं? अच्छा, वो एक गाया भी था ना उसका, आया ये सृष्टि कायनात, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु, बड़ा ही चमत्कारी भजन। एक भजन मिला पर लिखा ठीक तरह से नहीं, फिर भी मैं गाता हूँ इसको। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन
मंदिर आलीशान, हरे ऋषि मुनि घर तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जल में तू ही थल में तू ही जल में तू ही बन में तू ही मन में तू ही तू ही जल में तू ही थल में तू ही जल तू ही बन में तू ही मन में तू ही तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर हर गुल में तू बुलबुल में तू हर गुल में तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर गुल में तू बुल तू हर डाल के हर पातन में तू हर डाल के तू हर डाल के हर पातन में तू हर तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए तूने भिक्षुक राज दिलाए तूने राजा रंक बनाए तूने भिक्षुक राज दिलाए तूने राजा रंक बनाए तूने भिक्षुक राज दिलाए तूने राजा तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला अजब महान बन मन मंदिर तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
झूठे जग की झूठी माया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, मूर्ख इस झूठे जग की झूठी माया, झूठे मूर्ख इसमें क्यों भर माया, मूर्ख कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, कर कुछ जीवन का कल्याण बन, कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान, कर कुछ जीव तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान, ये जो भजन है ये भजन बड़ा शिक्षाप्रद है। ये जो हमारा मन है ना, प्रभुपाद भी समझाते हैं और भगवान भी समझा रहे हैं गीता में, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये हमारे वश में नहीं। और मोक्ष का कब? जब ये हमारे वश में है। तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर आलीशान कब बनेगा? जिसमें जिस मन में सतत कृष्ण का चिंतन होगा। मन में बस कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है। मन चंचल बड़ा है। भगवान ने अर्जुन को भी कहा ना, मन में बस में मन को बस मेरे में लगाओ। तो अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एव सदुष्करम। ये कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसको बस में करना बड़ा कठिन है। हवा को कोई बस में कर ले, हवा को कोई कर नहीं सकता, पर अर्जुन कहते हैं कि मन को बस में करना बहुत कठिन है। तो इस मन को जब हम हरि सिमरन में लगाएंगे ना, तो फिर ये धीरे धीरे शुद्ध होगा। आप कृपया इस बात को याद रखो। शरीर की सफाई तो हम कर लेते हैं साबुन पानी से, कपड़े हम धो लेते हैं साबुन पानी से, पर मन की सफाई क्या साबुन पानी से होगी? उधमपुर में होती होगी? कठुआ? कहीं नहीं होती। मन को साफ करना बड़ा जरूरी है। जैसे एक भजन में कहा है, बारों जिस्म दिया खूब ते सफाइयां कीतियां, बारों जी समझी अंदरों हिरदे दीते मैल गवाई ना गई, अंदरों हिरदे दीते बारों जी सम दिया खूब ते सफाइया कीतिया, बारों जी सम दिया खूब ते सफाइया कीतिया, अंदरों हृदय जीते मैल गवाई ना गई, की जग उते आन के कमाइयां कीतियां, जग उते आन के कमाइयां कीतियां, बेपरवानू बोला के लापरवाइयां कीतियां,
बे परवा किसे चंगे पासे जिंदगी लगाई न गई, किसे चंगे पासे जिंदगी लगाई न गई, वृति विषिया विकारां तो हटाई न गई, वृति विषिया हटाई न गई, अंदरों हृदय दीते मैल गवाई ना गई, अंदरों हृदय मैल गवाई ना गई, बारों जिस्म दिया खूब ते सफाइयां कीतियां, बारों जिस्म बड़ा सुंदर भजन है। हम लोगों की बुराइयों का वर्णन इसमें है। चुगली निंदा दे बिच जीवन गुजारे आ, चुगली निंदा दे बिच जीवन गवाया गया, चुगली निंदा जीवन गवाया, पला पुल के नक दे किसे दा चितारिया, पला पुल के नक दे किसे दा चिता, अपने ऐबा वल कदे ना ध्यान मारिया, अपने ऐबा वल कदे ना लोकां दियां रज रज के बुराइयां कीतियां, लोकां दियां रज रज के बुराइयां की जग उते आन के कमाइयां कीतियां, भी नशा अभिमान दा सिरों उतार ले, हुन भी नशा अभिमान दा सिरों उतार ले, पिछले कितियां गुनाहां उते चाती मार ले, पीछे नथा सिंह बाकी रहंदा जीवन सुधार ले, नथा सिंह बाकी जीवन सुधार ले, हुन तू मेरे मन आगे मन आईया कितियां, की जग उते आन के कमाइयां कीतियां, जग उते आन के कमाइयां कीतियां, बेपरवानू बुला के लापरवाइयां कीतियां, बेपरवानू बुला के लापरवाइयां कीतियां, Thank you.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ये भजन है ग्रंथ साहब में से, ये भजन भी बड़ा अच्छा है। ठाकुर तुम चरण आया, ठाकुर तुम चरण ठाकुर तुम शरण आया, उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आया। ठाकुर तुम शरण आया, अनबोलत मेरी बिरथा जाने, अनबोल अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोल अपना नाम जपाया, ठाकुर अपना ठाकुर अपना नाम जपाया, ठाकुर अपना नाम जपाया, तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आया।
दुख नाटे सुख सहजी समाए, दुख नाटे सुख सहज समाए, दुख नाटे सुख सहजी समाए, दुख आनंद नंद गुण गाया, आनंद नंद गुण ठाकुर तुम शरण आया, ठाकुर तुम शरण आई, ठाकुर तुम शरण आया, बाग पकड़ कड़ लीने अपनी, बाग पकड़ कर लीने अपनी, पकड़ कर लीने अपने, ग्रह अंध कूप ते माया, ग्रह अंध कूप ते माया, ठाकुर ग्रह अंध कूप ते माया, ठाकुर ग्रह माया, ठाकुर तुम शरण नहीं आया, ठाकुर तुम शरण नहीं आया, कहू नानक गुरु बंधन काटे, कहू नानक गुरु बंधन काटे, कहू नानक गुरु बंधन काटे, कहूँ नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया ठाकुर, बिछुरत आन मिलाया ठाकुर, बिछुरत आन मिलाया ठाकुर, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आया ठाकुर, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण देखो
कई लोग भगवान को निराकार मानते हैं, उनका आकार नहीं है। ठाकुर कृष्ण भगवान का नाम है और ये गुरु अर्जुन देव जो हुए राग सारंग है महला पांच। तो एक वो कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, उतरी गयो मेरे मन का संसार, मेरे मन में जो शंका थी समाप्त हो गई जब ते दर्शन पाया। भगवान का रूप है ना, विग्रह रूप भगवान का, जब से मैंने आपके दर्शन पाए हैं मेरे मन का शंका दूर हो गई है। फिर अनबोलत मेरी वृथा जानी, मैंने कहा कुछ नहीं प्रभु, आपने मेरे दुख को समझ लिया। क्या किया? अपना नाम जपाया आपने, मुझे अपने नाम में मेरा मन लगा दिया। और आपके नाम के जपने से क्या हुआ? दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख भाग गया सहज में ही सुखी हो गया मैं। आनंद आनंद गुण गाया, आनंद से आपका गुणगान किया। बांह पकड़ कर लीने अपनी, मेरी बांह पकड़ कर ग्रहा अंध कूप ते माया, ये अंधे कुएं में जो गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में पड़ा था, मेरी बांह पकड़ कर आपने मुझे उसमें से निकाल दिया। जैसे जितने भी गुरु हुए ने, सब ने गुरु नानक देव जो पहले गुरु थे, पहले बादशाह थे, उन्हीं का सम्मान किया। कहूँ नानक गुरु बंधन काटे, बिछरुत आन मिलाया, बंधन कट गए बिछरुत भगवान से मिले हुए थे, आपने मिला दिया। ठाकुर तुम शरण नहीं आया, ये कुछ भजन मैंने बहुत पहले नोट किए थे बड़े, जैसे गुरु तेग बहादुर जी का ये भजन है। हरि के नाम बिना दुख पाए, हरि के नाम बिना दुख, हरि के नाम बिना दुख पाए, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, भक्ति गुरु एह भेद बताए, गुरु एह भेद, हरि के नाम बिना दुख पाए। कहा भायो तीरथ व्रत किए, कहा राम शरण नहीं आए, राम शरण जोग जग निश फल तेहे मानो, योग जाग ने फल तेहे मानो, जो प्रभु जस बिसराए, जो प्रभु जस बिसरा, हरि के नाम बिना दुख पाए। मान मोह दोनों को पर हरि, मान मोह दोनों को पर, गोविंद के गुण गाए, गोविंद के गुण गाए,
कही नानक एही विधि को प्राणी कहे जीवन मोक तो कहलावे जीवन मुक्त कहावे हरि के नाम बिना दुख पाव हरि देखो हरि भगवान कृष्ण जो दुखों को हरने वाले हरि के नाम बिना दुख पावे भक्ति बिना संसार भक्ति जो हम करने का प्रयास भगवान की निष्काम सेवा इससे कोई शंकाओं का समाधान नहीं होगा। अगर कोई भक्त नहीं बनेगा ना उसके मन में संशय बने रहेंगे शंकाएं बनी रहेंगी। भक्ति बिना संसार ने कि छूटे गुरु ये भेद बतावे गुरु जी ये भेद बता रहे हैं कि भक्ति के बिना हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। फिर कहा है योग जग ने फल ते ही मानो योग जग तुम कर रहे हो निष्फल प्रभु जस बिसरावे। अगर तो भगवान के जस को उनकी लीलाओं को तो भूल गए तो योग जग का कोई लाभ नहीं होगा। मान मोह दोनों को पर हरि गोविंद के गुण गावे। मान मोह मोह अटैचमेंट और मान इसका त्याग करना दोनों को पर हरि गोविंद के गुण गावे गोविंद के गुण गाओ कहीं नानक यही विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। अगर ऐसा करे तो जीवन उसका मुक्त हो जाएगा। फिर एक और भजन है रे मन राम सियो कर प्रीत रे मन राम रे मन राम सियो कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अरु गाओ रसना गीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अरु गाओ रसना प्री रे मन राम सियो कर प्री रे मन राम सियो कर साध संगीत सिमरो माला कर साध सिमरो होए पतित पुनीत होए पतित पानी रे मन राम सियो कर प्री रे मन राम काल व्याल जयूं पर डोले क
काल में जयो पर मुख पसारे मीत मुख पसारे मीत। आज काल पुराने तो ही आज का पुराने तो ही ग्रासे है सम आरुचि होतई ग्रासी है अब रुचि होती कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत जात अवसर रे मन राम सियो कर प्री रे मन तो इस भजन में कितना सुंदर कहा है, हे मन तू राम से प्रेम कर, रे मन राम सियों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण, गोविंद के गुणों को श्रवण करो, सुनो अरु गाओ रसना गीत, गोविंद के गुणों को सुनो गाओ रसना गीत गाओ, कर साध संगति साधुओं का संग करो, कर साध संगति सिमर ये पर शब्द कोई पढ़ा नहीं जा रहा, सिमरन मा माजा होए पतित पुनीत, सिमर सिर माधा माधा माधव लिखना था, सिमरन माधव होए पतित पुनीत, अगर साधुओं की संगत करोगे और भगवान का सिमरन माधव का सिमरन होए पतित पुनीत, पतित जो है वो पवित्र हो जाएंगे, रे मन राम सियो कर प्रीत, काल ब्याल ज्यों परयो डोले मुख पसारे गीत, काल जो है ना ये ब्याल काल का जो जाल हमारे सर पर डोल रहा है मुख पसारे मीत, कहीं नानक भजले कहीं नानक राम भजले जात अवसर बीत, गुरु जी कह रहे हैं भगवान का राम जी का भजन कर ले समय बीता जा रहा है, बहुत सुंदर ये बहुत पहले नोट किए थे हमने तो आज ये गाने का मौका मिला। अगे पीछे तक दिया गौं तेरा रावे यमुना दे कंडे शमा बंसी बजावे, अगे पीछे तक दिया गौं तेरा रावे यमुना दे कंडे शमा देख ले पापिया ने अंता छाया ने, देख ले निर्दोष गौं उते छुरियां चलाया ने,
छुरियां चलाइया ने देख ले पापियां निर्दोष गौआ उते छुरियां एक बार आके शामा एक बार आके शामा चक्कर चलावे एक बार आके शामा चक्कर चलावे यमुना दे कंडे शामा बंसी बजावे यमुना दे कंडे आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे आगे पीछे तक दिया गौआ तेरा रावे यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे के आसी तू भारत बीच मुड़ के मैं आवांगा के आसी तू भारत बीच मुड़ के आवांगा बिगड़ी दिशानू फेर बनावांगा फेर बनावांगा बिगड़ी दिशानू के आसी तू भारत बिच मुड़ के मैं आवांगा के आसी तू भारत बिच मुड़ के मैं आवांगा बिगड़ी दिशानू फेर बनावांगा फेर बनावांगा गीता दे कॉल नू दिताई बुलावे गीता दे कॉल नू तू दिताई बुलावे यमुना दे कंडे श्यामा बंसी बजावे यमुना दे कंडे बोलो बंसी वाले की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की तो विरोचन ये तूने कौन सा भजन रखा है विरोचन चला गया एक ही पुस्तक थी और भी थी एक ये भजन उसने खोल के रखा है इधर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने कौन सी तर्जस की है
हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल अब पा रहे हैं, उसी का रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने रचा, वही ये सृष्टि चला रहा। इसी धरा ने शरीर पाए, इसी धरा से, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी है सत्य नियम यही धरा का है सत्य। एक आ रहे एक जा रहे हैं, एक आ जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेज वही फिर वापस बुला रहे हैं, वही फिर वापस। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने रचा है सृष्टि, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की कालियों में, बैठे हैं जो धान की प्यालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर फूल रंग बिरंगे खिला रहे, फूल रंग बिरंगे। क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि को चला रहा है। राम भक्त जी चला रहे एक प्रसंग बीच में आया है, जब राम जी, राम भगवान वनवास में थे तो भरत जी लेने उनको आए। भरत जी कहते हैं चलिए राज्य आपका आप करेंगे, लेकिन राम जी को दूसरा भी काम करना था। अगर भरत जी
बड़े महान सेवक है भगवान के। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर अपने पादुका दे दो मेरे को। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त राम भक्त ले चल रे राम की निशानी, राम भक्त सिर पर शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं अब इनकी छाओ में रख गी राजधानी, अब इनकी छाओ रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम पलहीन लागे सदियों जैसे, पलचिन लागे चौदह वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे, कब्रे बदिया के दो फूल मिलेंगे, बदिया के दो फूल जो। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे, बटिया के दो फूल मिलेंगे, बटिया जी करता है यही बस जाए जी का। हिल मिल चौदह वर्ष बिताए, हिल मिल चौदह राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी,
राम बिन कठिन है एक घड़ी, राम भरत ले चला रे श्राम, राम भक्त ले चला है राम की निशान, राम तन में बचन अम तन में बचन उमंग अनुराग, तन में बचन उमंग अनु धीर दुरंदर धीरज त्यागा, भावना में बै चले धीर हीर ज्ञानी बाग, दीन भीर ज्ञानी राम भक्त ले चला है राम की निशान, सर पे खड़ाओ और अखियों में पानी, सर पे राम भक्त ले चला है राम की निशानी, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो नवद्वीप मंडल जो है उसमें नौ द्वीप हैं, अंतरद्वीप जो है आत्मनिवेदन का है, सीमंत द्वीप श्रवण सुनने का, गोद्रम द्वीप कीर्तन करने का, मध्य द्वीप स्मरण करने का, कोल द्वीप पांच सेवनम, ऋतुदीप अर्चनम पूजा का, जानुदीप वंदनम, मुद्रम दीप दास्यम, रुद्रदीप साख्यम, ये नवदीप हैं। तो हमारे जो दस गुरु हुए, पहले गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद देव, फिर अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद देव और गुरु हर राय, गुरु हर हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 और 1708 बड़ा थोड़ा समय था, 1675 1708 कितना टाइम हुआ, 30 साल, थोड़े टाइम ही नहीं। ध्यान ध्यान मगन ध्यान मगन मगन। अच्छा मैंने शायद ध्यान में चले गए, क्या हो गया। अच्छा तो ये 33 साल रहे गुरु तेग बहादुर 1665 और 1675, ये क्या बात है, गुरु की अवधि होगी, उस टाइम वो गुरु रहे। अभी जैसे गुरु हरकृष्ण जो है 1661 1664 गुरु अवधि है, गुरु हर राय 1644 1661, फिर गुरु हरगोविंद देव जी 1640 1644 और गुरु अर्जन देव 1581 1606, गुरु रामदास जी 1574 1581, गुरु अमरदास जी 1552 1574, गुरु अंगद देव जी 1539 1552 और गुरु नानक देव 1469 1539, ये बड़ी देर रहे हैं सबसे ज़्यादा 1469
1539। बोलो सदगुरु देव की जय। तो प्रभुपाद जी की आज की शिक्षा वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति के धर्मपरायण। तो निष्ठावान सेवक, आजकल लड़कियां ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो 9-2-11 हो, हैं, जिसने वो बस बाल रखे हों, गुण उसमें है या नहीं है कोई नहीं सोचता। आज कलयुग में ऐसा मतलब दोष आ गया, विकृति आ गई। तो जैसे देवहूति थी माता, देवहूति माता जो है वो मनु और शत्रुपा की पुत्री थी। उन्होंने सुना कि कर्दम मुनि जो हैं बड़े महान हैं, और ऋषि थे कर्दम ऋषि जो हैं मुनि, उन्होंने बोला मैं उनसे विवाह करूंगी। एक राजकन्या राजकुमारी वन में रही, बाल उन्होंने बड़ी तपस्या की। ये हमारी संस्कृति है। प्रभुपद कृपा से हमने बचने का प्रयास करना है और बचाने हैं। लोग बेचारे सब नरकों में भाग रहे हैं बड़ी तेजी से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम प्रिया बोल रहे, प्रेम प्रिया पद्म, अच्छा प्रेम प्रिया पद्म, हाँ ह्यूस्टन टेक्सास, हाँ इनकी बेटी गोरा का कल चौथा जन्मदिन था, हाँ वो उसके लिए पद्म प्रिया माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारी बेटी के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो वो भक्त बने और उसका भविष्य उज्जवल हो। आप खूब भक्ति करो, खूब नाम जपो भगवान का और जीवन सफल करो। हमारी शुभकामनाएं राम प्रिया माता तुम्हारे साथ। खूब मेहनत करो, भक्ति करो, जीवन सफल करो, नाम जपो और प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ। महाराज जी, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, आई एम फ्रॉम, मैं एक छोटे से गांव लखरी जो कि रामकोट तहसील में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, वहां से हूं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बिलावर में एक केंद्र स्थापित कर दीजिए, एक केंद्र स्थापित कर दीजिए, क्योंकि यह उधमपुर से 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है। उधमपुर से 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। केंद्र के लिए तो जगह देखो कोई, भाई बिलावर में चाहते हैं वो, बिलावर रामकोट एरिया, बिलावर रामकोट एरिया, बिलावर रामकोट, बिलावर के बच्चे हैं ना, बिलावर के बच्चे हैं, शाम नहीं था जो सेवा, वो कह रहा है अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। साष्टांग दंडवत प्रणाम टू गुरु महाराज जी एंड ऑल असेंबल डिवोटीज। एवरीवन हियर कंटिन्यू टू प्रे टू द लॉर्डशिप्स फॉर गुरु महाराज जीज सेफ एंड हेल्दी लाइफ, टू कंटिन्यूसली सर्व हिज गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद एंड गुरु परंपरा। एवरीवन
is waiting eagerly for the opportunity to serve you when you arrive in Florida, USA. Is there still time available? It will be great to hear the bhajan sung by you, Sham Teri Bansi Baje Dhire Dhire. Thank you, Guru Maharaj. Aur koi prashan? नरसिंह चरण प्रभु गोवर्धन से. नरसिंह आ गया गोवर्धन में. जी महाराज जी. हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम. गुरुदेव आपके घुटने कैसे हैं? इस बार मैं ज़रूर घुटने ठीक करने की कोशिश करूंगा. अगर तबीयत अच्छी है गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काम क्रोध दोष को कैसे वश में करें? नृसिंह चरण ये सब भक्ति करने से जब शुद्धि होगी काम क्रोध मोह ये सब वश में हो जाएंगे. भक्ति करने से सब कुछ होगा. भगवान की निष्काम सेवा करने से तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे. भगवान कहते हैं जो बड़े प्रेम से मेरा निरंतर भजन करता है उसको मैं फिर बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वो सब बुराइयों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है. सबका धन्यवाद. हरे कृष्ण. जय जय हरे कृष्णा. तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है. तो सभी लोग तीन बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल. बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. कोई आज भी नहीं. हरे कृष्ण. छोटी टेबला मजी. मुरादाबाद से सरस्वती माता है. मुरादाबाद से सरस्वती माता, इनके पोते का जन्मदिन था. कुछ दिन हो गए हैं तो समय नहीं मिल रहा था बांटने का, समय नहीं मिल रहा था उनके प्रसाद को बांटने का. तो आज का उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है. ठीक है. पानी पानी दे दो हाथ धोने के लिए. पानी है? नहीं है. पूरी पूरी उसकी सेवा नहीं है. भाग जाता है.